गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का पूरी गुरुकुल कोचिंग परिवार की टीम तहे दिल से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। छगन भारतीय राजव्यवस्था, राजनीति शास्त्र, इंडियन पॉलिटी के तहत हम लोगों ने विगत कक्षाओं में जाना था मौलिक अधिकारों के बारे में और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं उनके बारे में आज हम लोगों ने जाना था, पिछली कक्षाओं में जाना था। आज हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे छात्रगण और जानेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख अंग या लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ क्या क्या होते हैं, इसे हम लोग जानेंगे। हेडिंग बनाइएगा छात्रगण, संविधान के महत्वपूर्ण स्तंभ। संविधान के महत्वपूर्ण स्तंभ, महत्वपूर्ण स्तंभ या लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ, लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ। छगन, लोकतंत्र के हमारे संविधान के चार महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। छगन, पहला स्तंभ है कार्यपालिका, है ना, हेडिंग बनाइएगा नंबर एक देकर के कार्यपालिका, कार्यपालिका लिखिए, डैश देखिए। कार्यपालिका कानून बनाने का काम, इसको ऐसे ना लिखेंगे छात्रगण, इसको थोड़ा चेंज करेंगे, लिखेगा कार्यपालिका के दो अंग होते हैं, हां ऐसा लिखेंगे, ऐसे शुरुआत करेंगे। कार्यपालिका के दो अंग होते हैं, होते हैं। नंबर एक, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका। नंबर दो, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका नंबर एक, नंबर दो राज्य की कार्यपालिका, है ना, हाँ वेरी गुड। अब लिखिएगा तीर कर्षण, देश में कानून को लागू करने एवं कानून का पालन करवाने, करवाने का कार्य कार्यपालिका का होता है, होता है। नेक्स्ट त्रिगणशन, कार्यपालिका देश का शासन भी चलाती है, कार्यपालिका देश का शासन भी चलाती है। नेक्स्ट, केंद्र की कार्यपालिका के तहत, केंद्र की कार्यपालिका के तहत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। नेक्स्ट त्रिगणेशन, राज्य की कार्यपालिका के तहत, राज्य की कार्यपालिका के तहत, तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी गणों को, राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी गणों को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है।
छतगण, ध्यान देंगे सवाल किस तरीके के पूछे जाएंगे। छतगण, लोकतंत्र के या संविधान के प्रमुख चार स्तंभ होते हैं छतगण, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ है प्रेस या मीडिया। छतगण, अभी हम लोगों ने जाना कार्यपालिका के बारे में। क्या है कार्यपालिका? छतगण, कार्यपालिका एक ऐसा तंत्र है जो देश का शासन चलाता है, नंबर एक, जो देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाता है, जो देश में कानून को लागू करता है, वही है कार्यपालिका। छतगण, कार्यपालिका के तहत कौन आते हैं? एक पुलिस पदाधिकारी भी कार्यपालिका का अंग है, एक डिप्टी कमिश्नर डीएम भी कार्यपालिका के अंग हैं, एक राष्ट्रपति भी कार्यपालिका के अंग हैं, प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका के अंग हैं, मुख्यमंत्री भी कार्यपालिका के अंग हैं, राज्यपाल भी कार्यपालिका के अंग हैं। बस अंतर क्या है, केंद्र की कार्यपालिका अलग होती है छतगण, राज्य की कार्यपालिका अलग होती है। केंद्र की कार्यपालिका के तहत आपको राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं या अन्य सभी प्रकार के केंद्रीय पदाधिकारी हैं। लेकिन राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य पदाधिकारीगण, ये किसमें आएंगे? ये राज्य जो है के कार्यपालिका के तहत शामिल किए जाएंगे, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। छतगण, पूछेगा सवाल, राष्ट्रपति को आप किस स्थान पर पाते हैं? नंबर एक, केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन। नंबर दो, राज्य की कार्यपालिका के अधीन। नंबर तीन, दोनों के अधीन। नंबर चार, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाएगा आप? केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन। दूसरा सवाल पूछेगा, राज्यपाल को आप निम्नलिखित में से कहां पर स्थान देंगे? नंबर एक, केंद्रीय कार्यपालिका। नंबर दो, राज्य की कार्यपालिका। नंबर तीन, दोनों। नंबर चार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा राज्य की कार्यपालिका। ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत हिट क्वेश्चन है, जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। छतगण, दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा, स्मरण करना होगा और एक एक चीजों को याद रखना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा, एक एक चीजों को स्मरण करना होगा, एक एक चीजों पर अपनी पैनी निगाहें रखनी होगी। छतगण, ध्यान दीजिएगा और मनन कीजिएगा और एक एक चीजों को गौर कीजिएगा, एक एक चीजों को याद रखिएगा। क्या सवाल पूछे जाएंगे? छतगण पूछेगा, कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? है ना, क्या फंक्शन है कार्यपालिका का? तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य है देश का शासन चलाना, देश में कानून को लागू करना, कानून के उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करना, है ना, ये कार्यपालिका का काम है। तो आपके मन में आ रहा होगा, क्या है सर, क्या कार्यपालिका दंड भी दे सकता है? नहीं, ये काम न्यायपालिका का है। छतगण, इसे ऐसे समझें, कानून बनाती है विधायिका या व्यवस्थापिका, कानून को लागू करती है कार्यपालिका और कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देती है न्यायपालिका और समाज में जागरूकता लाती है मीडिया या प्रेस, जिसे आप समाचार पत्र, टीवी चैनल और अन्य माध्यमों से देखते हैं। तो छतगण, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कार्यपालिका का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देश का शासन कौन चलाता है? कार्यपालिका। देश में कानून को कौन लागू करता है? कार्यपालिका। राज्य का शासन कौन चलाता है? राज्य की कार्यपालिका। राज्य में कानून को कौन लागू करता है? राज्य की कार्यपालिका कानून को लागू करती है। ध्यान रखिएगा, है ना छतगण, हमारे देश में कानून को कौन लागू करता है? ऑप्शन में देगा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाइएगा आप? कार्यपालिका कानून को लागू करता है। देश में शासन कौन चलाता है? ऑप्शन में देगा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रेस। तो क्या लगाएगा? कार्यपालिका ही जो है देश में शासन चलाता है। राज्य में राज्य की कार्यपालिका शासन चलाती है, देश में केंद्र की कार्यपालिका शासन चलाती है। छतगण, केंद्र की कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होते हैं और राज्य की कार्यपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी राज्यपाल होते हैं। ऐसे प्रश्न भी कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पूछेगा, केंद्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राज्य की कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। छतगण, एक ऐसा पदाधिकारी भी है जो कार्यपालिका और विधायिका यानी व्यवस्थापिका
दोनों का ही अंग है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है छात्रगण। लेकिन एक ऐसा पदाधिकारी है जो कार्यपालिका का भी अंग है, विधायिका का भी अंग है। छात्रगण वो पदाधिकारी कौन है क्या आप बता सकते हैं? वो पदाधिकारी है राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, है ना। अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, आएंगे भी, है ना। लेकिन आप इसे नोट डाउन करके लिख लीजिए, लिखेगा नीचे में नोट, एनओटी लाल कलम या हरा कलम से छात्रगण, एनओटी नोट, हाँ लिखिए। राष्ट्रपति एकमात्र ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति एकमात्र ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं जो कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका दोनों के अंग होते हैं, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के अंग होते हैं, होते हैं। पूछेगा भारतीय संविधान का वह कौन सा पदाधिकारी है जो कार्यपालिका और विधायिका दोनों का अंग होता है? ऑप्शन में देगा राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन में देगा प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन में देगा उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन में देगा राज्यपाल। क्या लगाएंगे छात्रगण? जवाब दें, आपका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। छात्रगण आपका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम लोग कार्यपालिका का भी अंग मानते हैं और विधायिका का भी अंग मानते हैं। छात्रगण जब आप संसद टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो वहां आप जानिएगा कि भारतीय संसद के तीन अंग होते हैं छात्रगण। कितने अंग होते हैं? तीन अंग। उनमें वो तीनों अंग कौन कौन से हैं? पहला अंग है राष्ट्रपति, दूसरा अंग है लोकसभा, और तीसरा अंग है राज्यसभा, है ना। तो छात्रगण इसलिए राष्ट्रपति को चूंकि संसद का भी अंग माना जाता है, विधायिका का भी अंग माना जाता है, इसलिए राष्ट्रपति विधायिका का भी पार्ट है और कार्यपालिका का भी पार्ट है। इसे आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त रूप से आता है, पैनी निगाहें रखनी होगी। अब नंबर दो लिखेंगे छात्रगण, विधायिका या व्यवस्थापिका, विधायिका या व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव कहा जाता है छात्रगण इसको, विधायिका या व्यवस्थापिका लिखे। यह देश में और राज्य में, यह देश में और राज्य में कानून का निर्माण करती है, यह देश में और राज्य में कानून का निर्माण करती है, कानून का निर्माण करती है, करती है। नेक्स्ट, विधायिका के दो भाग हैं, विधायिका के दो भाग हैं। नंबर एक, संसद, संसद। नंबर दो, राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल। विधान मंडल नेक्स्ट, संसद के तीन अंग होते हैं, संसद के तीन अंग होते हैं। नंबर एक राष्ट्रपति, नंबर दो लोकसभा, नंबर तीन राज्यसभा, सभा। नेक्स्ट, विधायिका के भी, विधायिका के भी तीन अंग होते हैं, ऐसा लिखेंगे, राज्य विधायिका के, राज्य विधायिका के भी तीन अंग, सॉरी राज्य विधायिका के भी तीन अंग होते हैं,
नंबर एक, राज्यपाल। नंबर दो, विधानसभा। नंबर तीन, विधान परिषद। ब्रैकेट बता देंगे, किसी किसी राज्य में होता है ना छात्रगण, किसी किसी राज्य में होता है। अब सवाल क्या आएंगे छात्रगण, गौर कीजिएगा। पूछेगा भारत में कानून का निर्माण कौन सी संस्था करती है, तो संसद बनाती है कानून। पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है छात्रगण, कानून बनाने का अधिकार। इसलिए इस देश में सर्वोच्च यदि है तो वह है पार्लियामेंट, हमारा संसद है छात्रगण, जो कि कानून का संशोधन करती है, कानून का निर्माण करती है, चाहे तो देश में बनाए गए कानून को खत्म भी कर सकती है। पार्लियामेंट को इतने अधिकार दिए गए हैं, संसद को इतने सारे अधिकार दिए गए हैं छात्रगण। यदि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना होगा तो राज्य विधानमंडल को अधिकार दिया गया है कि आप राज्य सूची पर भी कानून बना सकते हैं। यह अधिकार किसे दिया गया है, राज्य विधानमंडल को दिया गया है। इसे भी आपको छात्रगण ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा, इसे भी याद रखना होगा। राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य सूची पर कानून बनाए, वह राज्य सूची पर कानून बना सकती है छात्रगण। पूछेगा केंद्रीय विधायिका या व्यवस्थापिका के तहत संसद के तीन अंग बतलाए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संसद का नहीं है। नंबर एक, राष्ट्रपति। नंबर दो, राज्यसभा। नंबर तीन, उपराष्ट्रपति। नंबर चार, लोकसभा। क्या लगाइएगा छात्रगण, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को संसद का अंग नहीं माना गया है, तीन अंग है केवल छात्रगण, है ना, राष्ट्रपति है नंबर एक, लोकसभा है नंबर दो, राज्यसभा है नंबर तीन। यही तीन अंग हैं जो भारतीय पार्लियामेंट के पार्ट माने जाते हैं छात्रगण। यदि संसद एक शरीर है तो उसके तीन अंग हैं, यदि संसद एक मकान है तो उसके तीन कमरे हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ध्यान रखिएगा, और चौथा कोई कमरा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेटिव के भी तीन अंग हैं छात्रगण। कौन कौन से अंग हैं, पहला अंग है छात्रगण राज्यपाल, दूसरा अंग है विधानसभा, तीसरा है विधान परिषद। यदि विधान परिषद बहुत सारे राज्यों में होता है, कई राज्यों में नहीं होता है, अधिकांश राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल कुछ कुछ राज्यों में है, तो आपको जानना होगा कि विधानमंडल के भी तीन अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। अब आपसे पूछ देगा कि विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। नंबर एक, राज्यपाल। नंबर दो, विधानसभा। नंबर तीन, मुख्यमंत्री। नंबर चार, विधान परिषद। क्या लगाएंगे छात्रगण, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल का अंग नहीं माना गया है। तो ये जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक ऐसे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसा देंगे छात्रगण, और आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, और आपको बहुत ही झंझावतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए छात्रगण एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को याद रखें। पुनः मैं बता रहा हूं कि क्या है कार्यपालिका छात्रगण, तो कार्यपालिका देश में शासन चलाती है, राज्य का शासन चलाती है, कानून को लागू करती है। क्या है विधायिका, विधायिका का काम कानून का निर्माण करना है, चाहे वह केंद्र की विधायिका हो चाहे वह राज्य की विधायिका हो। पूछेगा केंद्र की विधायिका के कितने अंग हैं, तीन अंग हैं, यानी कि संसद के कितने अंग हैं, है ना, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ आवर इंडियन पार्लियामेंट, तो थ्री पार्ट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। कौन कौन से हैं, प्रेसिडेंट है एक, लोकसभा है दो, राज्यसभा है तीन। उसी प्रकार से पूछेगा राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं, तो इसके भी तीन अंग हैं छात्रगण। कौन कौन से अंग हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, राज्य विधानमंडल के अंग हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इसे भी ध्यान देना होगा छात्रगण, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो क्या आप याद रखेंगे ना कि देश में कानून कौन बनाता है, तो विधायिका या व्यवस्थापिका। कानून को लागू कौन करता है, तो कार्यपालिका, है ना, देश का शासन कौन चलाता है, तो कार्यपालिका।
और देश को शासन चलाने के लिए कानून कौन बनाता है? तो विधायिका बनाता है, यानी विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का है, देश का शासन चलाने का काम कार्यपालिका का है, और कानून बनाने का अधिकार किसका है छात्रगण? विधायिका का है। याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए छात्रगण, एक अच्छी जो प्रत्यक्ष नजर, पैनी नजर अर्जुन की तरह, केवल मछली की आंख नजर आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा छात्रगण। नंबर तीन लिखेंगे न्यायपालिका, न्यायपालिका जुडिशरी, न्यायपालिका लिखे। यह कानून का उल्लंघन करने वालों को, कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। यह कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देती है, देती है। इसके तहत निम्न संस्थाओं को शामिल किया गया है, इसके तहत निम्न संस्थाओं को शामिल किया गया है, किया गया है। नंबर एक, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है छात्रगण। नंबर दो, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। नंबर तीन, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। छात्रगण, क्या है न्यायपालिका, क्या है जुडिशियल सिस्टम, इसे ध्यान देंगे छात्रगण। न्यायपालिका देश में कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। देश में कोई भी व्यक्ति यदि संविधान के आदर्शों का उल्लंघन करता है, कानून को अपने हाथ में लेता है, किसी भी प्रकार का अपराध करता है, तो उसे दंड देने का अधिकार क्या कार्यपालिका को है? छात्रगण नहीं। क्या विधायिका को है? नहीं। तो किसे है छात्रगण? न्यायपालिका को अधिकार है। न्यायपालिका के तहत कौन कौन आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय आते हैं, उच्च न्यायालय आते हैं, जिला न्यायालय आते हैं, अन्य प्रकार के भी जो छोटे छोटे न्यायालय होते हैं, वे सब न्यायपालिका के ही अंग होते हैं छात्रगण, याद रखिएगा। तो ये सब न्यायपालिका के अंग हैं। क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, पूछेगा यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, यदि कोई व्यक्ति संविधान के आदर्शों का उल्लंघन करता है, यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी कार्य करता है, तो उसे दंड देने का अधिकार संविधान के किस स्तंभ को है? तो न्यायपालिका को है छात्रगण। अभी आप देखते होंगे बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े राजनेता, है ना, से लेके बड़े बड़े उद्योगपति सभी जेल के अंदर जा रहे हैं। इन्हें जेल कौन भेज रहा है? न्यायपालिका भेज रही है छात्रगण। तो न्यायपालिका क्या करती है? कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। यह न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे आपको ध्यान रखना होगा। पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय किसका अंग है? न्यायपालिका का। उच्च न्यायालय किसका अंग है? न्यायपालिका का। जिला न्यायालय किसका अंग है? न्यायपालिका का। इसे भी आपको छात्रगण याद रखना है। यह भी क्वेश्चन जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। नेक्स्ट, चौथा और लास्ट लिखिएगा छात्रगण, मीडिया या प्रेस, मीडिया, एमईडिया, ये मीडिया या प्रेस, प्रेस, मीडिया या प्रेस लिखेंगे छात्रगण, मीडिया या प्रेस लिखे। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। बहुत ही हिट क्वेश्चन है छात्रगण, वीवीआई एकदम कर देंगे, लाल पीला कलम से, लाल और हरा कलम से। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट, मीडिया के दो अंग होते हैं,
मीडिया के दो अंग होते हैं, होते हैं। नंबर एक, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया देखिएगा, डैश देखे, इसके तहत समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि शामिल की जाती हैं। नंबर दो लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लिखिए, इसके तहत टीवी के न्यूज चैनल शामिल किए जाते हैं। टीवी के न्यूज चैनल शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट टेक अंशन, मीडिया का मुख्य कार्य समाज में जागरूकता लाना है। मीडिया का मुख्य कार्य समाज में जागरूकता लाना है। समाज में जागरूकता लाना है। छगन, क्या सवाल आएंगे, गौर कीजिएगा। लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ किसे कहा गया है, मीडिया या प्रेस को? तो कौन सा प्रेस, घर में जो आयरन करते हैं कपड़वा को, वो वाला प्रेस है ही नहीं है। गलत फहमी मत रखिएगा छगन, वो वाला प्रेस नहीं है ही, है ना। ये प्रेस का होता है समाचार पत्र छगन, ये प्रेस का होता है टीवी न्यूज चैनल। कहा जाता है कि जो काम तोप और तलवारें नहीं कर सकती हैं, वो काम कलम कर देती है। अखबार, समाचार पत्र, टीवी न्यूज चैनल में इतना दमखम होता है छात्रगण कि आपको छवि को चाहे तो आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दे, और आपकी छवि को चाहे तो रसातल में मिला दे। यह है मीडिया, यह है लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ प्रेस। क्या काम है इसका छात्रगण? छात्रगण, मीडिया का काम है समाज में जागरूकता लाना। मीडिया का काम है समाज को हमेशा आंदोलित करना। मीडिया का काम है यदि सरकार और विधायिका सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, कार्यपालिका और विधायिका, तो उन्हें मीडिया जो है सही दिशा में कर्तव्य बोध का एहसास कराती है और लोगों को जागरूक बनाती है। लोगों को बतलाती है कि उन्हें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। लोगों की समस्याओं को आम जनता तक पहुंचाती है, और यही मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व तो होता है छात्रगण। लोगों की समस्याओं को, आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम, प्रशासन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मीडिया करती है ना। तो इसलिए मीडिया अपने आप में बहुत ही ताकतवर है छात्रगण। प्रिंट मीडिया क्या होती है? जो छप के आपके पास आता है, न्यूज़पेपर छप के आ रहा है, मैगजीन इंडिया टुडे वगैरह आप लेते हैं, कैसे आता है, छप करके आता है। लेकिन वहीं जब आप समाचार पत्र के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जाइएगा, तो वह आप इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से टीवी पर न्यूज चैनल देखते हैं, इसलिए उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। छगन, मीडिया अपने आप में बहुत ही ताकतवर है, और मीडिया चाहे तो हर व्यक्ति के छवि को उठा भी सकती है और चाहे तो गिरा भी सकती है। सरकार को चाहे तो मीडिया उसके कर्तव्य बोध का एहसास भी करा सकती है, और मीडिया यदि मूक दर्शक बनी रहे तो सरकार जुल्मों सितम और जबरदस्त रूप से दमन चक्र चला सकती है। इसलिए मीडिया अपने आप में बहुत ही ताकतवर है, जिसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। तो छात्रगण, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? मीडिया या प्रेस को। मीडिया या प्रेस के कितने अंग हैं? दो अंग हैं। कौन कौन से हैं? एक है प्रिंट मीडिया, जो कि समाचार पत्र हैं, मैगजीन्स वगैरह हैं, पत्रिकाएं हैं। दूसरी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो टीवी न्यूज चैनल आप सुन रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठ करके न्यूज चैनल सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदाहरण है। तो इसे भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा, और एक एक चीजों को छात्रगण गौर करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा। तो ये है छात्रगण लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों की एक वानगी, जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। चार चीजों से आप परिचित हुए हैं छात्रगण, ध्यान दीजिएगा, है ना। पहली चीज जो आपने पढ़ी, जानी,
समझी और उसे आत्मसात किया, वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम है छात्रगण, बतलाइए। हाँ बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, देश का कानून चलाना, देश में शासन चलाना, कानून को लागू करना, यह है कार्यपालिका का काम। विधायिका का क्या काम है छात्रगण, व्यवस्थापिका का। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, कानून का निर्माण करना है ना। संसद क्या करती है, कानून बनाती है। विधानमंडल क्या करती है, कानून बनाती है। केंद्र सूची पर कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है। और राज्य सूची पर कानून कौन बनाती है, तो राज्य विधानमंडल बनाती है। तो विधायिका का क्या काम है, कानून को बनाना। कार्यपालिका का क्या काम है, कानून को लागू करवाना। और न्यायपालिका का क्या काम है छात्रगण, कानून का उल्लंघन करने वालों को, संविधान के आदर्शों का उल्लंघन करने वालों को दंड देना। न्यायपालिका दंड देने का काम करती है, ध्यान देंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण। दूसरी बात जो आपको जाननी होगी, समझनी होगी, मनन करनी होगी, स्मरण करनी होगी, उसे भी आप गौर कीजिएगा, उसे भी आपको याद रखना है, उसे भी आपको ध्यान देना है छात्रगण। लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है, मीडिया को कहा जाता है। तो ये चारों चीजों को छात्रगण आप अलग अलग नजरिए से देखें और इन चारों चीजों को याद रखें, क्योंकि तो चारों चीजों से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पूछेगा कौन ऐसा संवैधानिक पदाधिकारी है जो कार्यपालिका और विधायिका दोनों का अंग होता है, तो वह संवैधानिक पदाधिकारी है छात्रगण राष्ट्रपति। कार्यपालिका का भी अंग है, केंद्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी भी है, और विधायिका का भी अंग है, संसद का भी अंग है। तो राष्ट्रपति एक ऐसा, एकमात्र ऐसा संवैधानिक पदाधिकारी है छात्रगण जो कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों का अंग होता है। इस सारे चीजों को याद रखें, मनन करें, कार्यपालिका के कार्य को याद रखें छात्रगण, देश में शासन चलाना, कानून को लागू करना है ना। विधायिका का काम याद रखें, कानून को बनाना। न्यायपालिका का काम याद रखें, कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देना। और मीडिया का काम क्या है, लोगों को जागरूक बनाना। यही चारों हैं जिसे आपको ध्यान रखना होगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस या मीडिया, है ना छात्रगण, ध्यान दीजिएगा। हम नए टॉपिक की ओर हम लोग प्रवेश करेंगे छात्रगण, हेडिंग बनेगा संविधान। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, लिखेंगे छात्रगण। संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है, चलाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान को अपनाने वाला देश, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान को अपनाने वाला देश अमेरिका है। बहुत ही हिट क्वेश्चन है छात्रगण, अमेरिका है। नेक्स्ट, भारत का संविधान लिखित है, लिखित है, परंतु इंग्लैंड या ब्रिटेन का संविधान, इंग्लैंड या ब्रिटेन का संविधान मौखिक है। भारत का संविधान लिखित है लेकिन इंग्लैंड या ब्रिटेन का संविधान मौखिक है, मौखिक है। छत्गन, संविधान क्या है, छोटी सी टॉपिक है ये, इसलिए इसको आपको जानना होगा और समझना होगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। छत्गन, संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके तहत देश का शासन चलता है। हमारे देश का शासन किसके अनुसार चलता है छात्रगण, संविधान के आदर्शों के अनुसार, संविधान के नियमों के अनुसार हमारे देश का शासन चलता है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जाता है। तो छात्रगण, संविधान हमारे देश का एक आदर्श
और महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। तो संविधान क्या है छात्रगण? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। गौर कीजिएगा, पूछेगा विश्व का पहला देश जिसने लिखित संविधान को अपनाया था कौन सा देश था? ऑप्शन में देगा भारत, दूसरा ऑप्शन में देगा आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन में देगा जर्मनी, चौथा ऑप्शन में देगा अमेरिका। क्या लगाएंगे छात्रगण? जवाब आपका होगा अमेरिका। अमेरिका का संविधान एक ऐसा संविधान है जो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है छात्रगण, जिसे अमेरिका ने लागू किया था, है ना। अमेरिका पहला देश था विश्व का जिसने लिखित संविधान को अपनाया था पहली बार। बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा छात्रगण। पूछेगा भारत का संविधान कैसा है? नंबर एक लिखित, नंबर दो मौखिक, नंबर तीन दोनों, नंबर चार इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान लिखित है, लिखित दस्तावेज के रूप में मौजूद है। फिर आपसे पूछेगा छात्रगण, उसे भी आपको ध्यान देना होगा। पूछेगा अमेरिका का संविधान कैसा है? तो अमेरिका का संविधान भी लिखित है, लेकिन पूछेगा विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसका संविधान लिखित ना होकर मौखिक है? तो वह देश है ब्रिटेन, वह देश है इंग्लैंड, वह देश है ब्रिटेन छात्रगण। तो किस देश का संविधान जो है वह लिखित ना होकर के मौखिक है छात्रगण? इंग्लैंड का संविधान, यूके का संविधान, ब्रिटेन का संविधान लिखित ना होकर के मौखिक है। इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी छात्रगण याद रखना होगा। यह भी अपने आप में प्रतियोगिता परीक्षाओं का बहुत ही हिट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है, इसलिए छात्रगण आपको इस चीज को भी याद रखना होगा। तो कौन सा देश का संविधान मौखिक है छात्रगण? ब्रिटेन का संविधान मौखिक है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। अमेरिका का संविधान कैसा है? लिखित है। विश्व का पहला देश जिसने लिखित संविधान को अपनाया कौन सा था? अमेरिका था। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, यह भी मनन करना होगा, यह भी याद रखना होगा छात्रगण, है ना। नेक्स्ट टॉपिक लिखेगा संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि कैसे हमारा संविधान छात्रगण बना, कैसे हमारा संविधान अस्तित्व में आया, कैसे कैसे करके संविधान जो है वह हमारा भारतवर्ष में लागू हुआ, किन किन नियमों के तहत संविधान बनाए गए, किन किन समितियों ने संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, संविधान के निर्माण में किन किन महापुरुषों का विशेष योगदान था, ये सारे चीजों को हमें इस चैप्टर में जानना है। बहुत ही रोचक है, बहुत ही परीक्षा उपयोगी है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना होगा। आपने लाल कलम या हरा कलम से हेडिंग बना लिया छात्रगण, संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि, संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि लिखिए। ठीक है, निशान कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। नेक्स्ट, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को संविधान सभा के लिए चुना गया था, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को संविधान सभा के लिए चुना गया था। नेक्स्ट, संविधान निर्माण के लिए कुल 389
389 सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किया गया जिनमें 292 सदस्य 292 सदस्य प्रांतों से 292 सदस्य प्रांतों से कमा 93 सदस्य 93 मेंबर्स देसी रियासतों से तथा 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से चुनकर आने वाले थे 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से चुनकर आने वाले थे नेक्स्ट टेंशन 1946 में प्रांतों में 296 प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव कराए गए हो गया कंप्लीट छतगन वेरी गुड नेक्स्ट दर्शन इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें तथा मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें प्राप्त हुई थी नेक्स्ट 9 दिसंबर 1946 को तिथि को याद रखेंगे छात्रगण बहुत इंपॉर्टेंट है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई नेक्स्ट संविधान सभा की पहली बैठक में प्रथम अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया नेक्स्ट संवैधानिक सलाहकार के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर डॉक्टर बी एन राव
डॉक्टर बी एन राव को चुना गया। डॉक्टर बी एन राव को चुना गया गया। नेक्स्ट रिटेंशन, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष, स्थायी हो जाएगा छात्रगण, ध्यान रखिएगा ये स्थायी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुना गया, संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्ताव प्रस्तुत किया, प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहा जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रगण, ध्यान देंगे, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। हो गया कंप्लीट छात्रगण, वेरी गुड। नेक्स्ट तीर्थंशन, संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को, बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया, प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया, कर लिया, लिया। नेक्स्ट तीर्थंशन, संविधान बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए संविधान निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने, ने 13 समितियों का गठन किया था, 13 समितियों का गठन किया था, जिनमें प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष या प्रमुख के नाम निम्न हैं, निम्न हैं। छतगन एक चार्ट बना लेंगे,
इस तरीके से इधर लिखेंगे समिति, इधर लिखेंगे अध्यक्ष या प्रमुख। समिति, अध्यक्ष या प्रमुख लिखेंगे छतगण। पहला लिखेंगे आप संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। अध्यक्ष प्रमुख का नाम लिखेंगे छतगण जवाहरलाल नेहरू। दूसरा लिखेंगे प्रांतीय संविधान समिति। समिति अध्यक्ष प्रमुख का नाम लिखेंगे छतगण सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट संचालन समिति। अध्यक्ष लिखेंगे छतगण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रारूप समिति। अध्यक्ष लिखेंगे छात्रगण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट झंडा समिति। प्रमुख का नाम लिखेंगे छात्रगण जेबी कृपलानी। नेक्स्ट संघ शक्ति समिति। अध्यक्ष प्रमुख का नाम लिखेंगे छतगण जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट मूल अधिकार समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट तीर का निशान देंगे छतगण 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया जिनमें 7 सदस्य थे। इन सात सदस्यों के नाम निम्न हैं। नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नंबर 2 एन गोपाल स्वामी अय्यंगर एन
गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर। नंबर तीन लिखेंगे के एम मुंशी, के एम मुंशी। नंबर चार लिखेंगे डीपी खेतान, के एम मुंशी के बाद क्या लिखेंगे छात्रगण, डीपी खेतान। नेक्स्ट लिखेंगे छात्रगण अगले व्यक्ति का नाम लिखेंगे जो कि इसमें शामिल थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट बी एल मित्र, मित्र बी एल मित्र, मित्र। ये सात नाम है छात्रगण जो कि आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करेंगे। इसी में तीर का निशान देके लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन, निर्वाचन पश्चिम बंगाल से संविधान सभा में हुआ था, संविधान सभा में हुआ था, था। तो छात्रगण यह है भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि की शुरुआत, अभी जस्ट हम लोगों ने शुरुआत की छात्रगण, आगाज किया है, अभी लिखने की कार्रवाई चल रही है, अभी अंजाम अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ इसमें समझना है, बहुत चीजों का हम लोग ऑपरेशन करेंगे, बहुत से चीजों को आपको बतलाएंगे, कैसे कैसे चुनाव हुए, कैसे कैसे सीटों का बंटवारा हुआ, कांग्रेस को कैसे 208 सीटें आई, मुस्लिम लीग को जो 73 सीटें आई वो कैसे, 93 सीटें जो आई वो कैसे कैसे आई, किस तरीके से जो है आपको 73 सीटें मुस्लिम लीग को आई, कुल सीटें 389 थी जो कि 292 प्रांतों से थी, 93 जो है आपको देसी रियासत से थी, 4 कमिश्नरी से थी, कांग्रेस को 296 में 208 सीटें आई, मुस्लिम लीग को 73 सीटें आई, ये सारे चीजों को हम लोग जानेंगे, कौन कौन समितियां थी, किस तरीके से प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए, प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, ये सभी चीजें अपने आप में बहुत ही बेशकीमती है, इंपॉर्टेंट है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है छात्रगण। तो आज छात्रगण हम लोगों की मंजिल यहीं पर रुकेगी, आगे हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, भारतीय संविधान में कौन कौन से तीन वाचन हुए थे, संविधान को अंगीकृत कब किया गया और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, संविधान को लागू कब किया गया, कैसे हमारा संविधान अस्तित्व में आया छात्रगण, ये सारी चीजें हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए संजीवनी बूटी राम बान और मील का पत्थर साबित होंगी। पुनः हम लोगों की मुलाकात होगी, इसे जोश खरोश सकारात्मक ऊर्जा पढ़ाई के प्रति एक सच्चे लगन धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक आप सभी को शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं, धन्यवाद।